कमरे को। अच्छा, आज हम बनाएंगे कैरमल खीर, जिसके लिए मैंने 2.5 टेबल स्पून राइस जो है धो के इन्हें ड्राई कर लिया था, ठीक है। और इतना ही मैंने 2.5 जो है ये पिसा हुआ खोपरा लिया है, और इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम और पिस्ते काट लिए थे ताकि टाइम सेविंग हो। अब मैं पहले इसको ग्राइंड करती हूँ राइस को खोपरे के साथ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें मैंने पीस लिया है, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी दूध में। ये दूध मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये सब डाल दूँगी। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने 1 लीटर लिया था मिल्क, इसमें मैंने ये मिला दिया है। अब इसको हल्के हल्के आँच पे और हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहना जब तक ये गाढ़ी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये कैरमल बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है फ्राई पैन में। अब ये मेल्ट होगी तो फिर मैं इसमें 1/2 कप जो है इसमें क्रीम मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, ये कैरमल बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन ये 1/2 कप मलाई है, घर की मलाई है ये फ्रेश, वो ऐड करके फिर मैं मिक्स करूँगी, फिर मैं ये खीर में ऐड कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, मैंने इसके अंदर कैरमल क्रीम ऐड कर दी है। अब आप इसका कलर देखें, ऐसा हो गया ये। अब ये हल्की आँच पे पकता रहेगा जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, ठीक है। जब ये गाढ़ी होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ जी, देखें ये इसका कलर हो गया, और ये इस वक्त बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत लजीज। जब आप खाएँगे और बनाएँगे ना तो बस आप मुझे याद करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैं डालूँगी इसके अंदर ये बादाम और पिस्ता। हाँ जी, देखें खीर तैयार हो गई है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी उसके। हाँ जी, ये जो खीर है ठंडी हो गई है, अब हम इसको खाएंगे मज़े से, और आप हमें याद कीजिएगा। चलें जी, हमारे साथ यहीं तक का था। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।